उपमंडल कंडाघाट में बाल विकास परियोजना विभाग कंडाघाट द्वारा एक माह तक पोषण मिशन के तहत विभिन्न पंचायतों में जाकर इस संबंध में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कंडाघाट के तहत पड़ने वाली ग्राम पंचायत देलगी में भी विभाग द्वारा एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में तहसीलदार कंडाघाट ओपी मेहता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जिला सोलन में कंडाघाट उपमंडल में एक माह तक पोषण मिशन के तहत कंडाघाट के तहत पड़ने वाली ग्राम पंचायत देलगी में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान पंचायत से आए लोगों को कंडाघाट के बाल विकास परियोजना अधिकारी डॉक्टर पदमदेव शर्मा ने पहले 1000 दिनों में शिशु की देखभाल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही घटते लिंगानुपात को रोकने के लिए अधिक जागरूकता लाने पर भी बल दिया। इस शिविर के दौरान सशक्त महिला योजना की जानकारी देते हुए घरेलू हिंसा रोकने के लिए स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कंडाघाट के बाल विकास परियोजना अधिकारी पदमदेव शर्मा ने बताया कि देलगी पंचायत में लोगों को पोषण माह के तहत जागरूक किया गया। देलगी पंचायत के देलगी में एक पोषण विषय पर जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार कंडाघाट श्री योगी मेहता जी, जिलाधिकारी सोलन श्री वृंदा चौहान जी और आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से डॉक्टर मंगनी जी और इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट और रूरल डिपार्टमेंट से खाद्य और पोषण बोर्ड इकाई शिमला से, इसके अलावा लगभग 100 लोगों ने इसमें भाग लिया। और इसमें पोषण मिशन के उद्देश्य की गतिविधियाँ और घटकों के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ साथ गर्भावस्था से लेकर 2 साल के शिशु तक की जो देखभाल है उसके बारे में विस्तार से बताया गया। खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा इसमें लोगों को संतुलित आहार और कैसे स्थानीय जो उपलब्ध पदार्थों से तैयार करना है उसके बारे में बताया गया। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा की रिपोर्ट।